देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अच्छे खासे बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे सही करके दिखाई और अच्छी करके दिखाई माशाल्लाह। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कर लेंगे और जिन बच्चों ने भी करके दिया तो उन्होंने सही किया, गलती उनकी कम थी। अच्छा एक जगह आप लोग गलती कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन मैं उसे गलती नहीं कहूँगा, गलती इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो मैंने आपको सही बताया नहीं था। तो अब मैं आपको सही बता देता हूँ तो आपको आपकी गलती का पता चल जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, जरा वो जो जो भी पेज है रजिस्टर वगैरह है जरा उसको अपने सामने रखिए। 24 जरा मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4 3d4, जबकि ये होना चाहिए था 4s1 3d5। ये चीज मेरे को मिली। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सही है। देखो 2 2 4 2 6 6 मतलब 4 और 6 10 12 और 6 18 18 2 20 और 20 4 24, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सारी चीजें। बट द प्रॉब्लम इसके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अभी जैसे कि अभी मुझे शायद कृष्णा ने बताया मेरे ख्याल से, तो अब ये गलत है। अच्छा गलत है, ठीक है सर, चलिए गलत है, आपने कह दिया मान लिया हमने कि गलत है। अब सही क्या है और ये गलत क्यों है, दो सवाल है कि सही क्या है और ये गलत क्यों है। क्योंकि कॉन्सेप्ट या थ्योरी के हिसाब से जो आपने हमें लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके हिसाब से तो सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप गलत कह रहे हैं तो क्यों गलत है और फिर सही क्या है। तो पहले सही क्या है वो बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि गलत क्यों है और कैसे। देखो उसकी सही ये है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये इसकी सही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, हम दो केसेस देख लेते हैं फिर दोनों केसेस को एक साथ समझाऊंगा कि कैसे गलत है क्यों गलत है क्या है। 29 अच्छा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मुझे जरा वो बताएं कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कुशरा के अलावा। 1s2 कुशरा तुम्हारे अलावा मैंने बता चुकी हूं, मैं चाह रहा हूं कोई और बताए। ब्लर हो रहा है, थोड़ी देर में फोकस करेगा जब तक मुझे आता सर। 1s2 ठीक है, आगे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लोगों ने की है ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है। अब फिर वही सवाल कि सर सही क्या है और ये गलत क्यों है, तो अब सही बता देते हैं फिर आपको बताएंगे कि ये गलत दोनों क्यों हो रही है या इसमें गलती क्या है। तो कैसे 1s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये सही। अब ये वाली दो सही है और ये वाली दो गलत है, जैसा मैंने पिछले क्लास में समझाया है उसके हिसाब से तो आपने जो ये काम किया बिल्कुल सही किया, आपने जो समझाया उसके हिसाब से तो काम सही किया, उसके हिसाब से आपने काम गलत नहीं किया। अब मैं आपको एक एडिशनल चीज समझा रहा हूँ। देखो इसके लिए हमें समझने की जरूरत है थोड़ा सा जो एटम का स्टेबिलिटी फैक्टर होता है उसको समझने की जरूरत है कि 9 में और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा है। जब हम उस चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं तो हमेशा हम
मैं उस चैप्टर को जब भी मैं एज अ टीचर पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों से एक सवाल करता हूँ कि आपने इतना टाइम कंपाउंड पढ़ा, कंपाउंड होता है आपने पढ़ा, मतलब मैं बच्चों से सवाल ये करता हूँ कि कंपाउंड क्यों होता है, क्या जिंदगी खुशहाल एलिमेंट्स में नहीं थी, या एलिमेंट्स में ऐसी क्या चुल है कि वो कंपाउंड बनाते हैं? ये सवाल मैं चैप्टर का आगाज इस सवाल के साथ करता। अब जिसके बच्चे मुख्तलिफ जवाब देते, नाइन में तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होता, फर्स्ट ईयर में कुछ अधूरे इधर उधर से जवाब आ जाते हैं कि सर को ऐसी एलिमेंट्स का दिल करता है, सर एलिमेंट चाहते हैं कंपाउंड बनाना, फिर मैं उसके ऊपर एक सवाल और करता हूँ कि क्यों चाहते हैं कंपाउंड बनाना? देखो बैलेंस शेल, अभी जो आपने जवाब दिया मुझे नहीं पता किसने मेरे जवाब दिया, मैंने देखा नहीं था, तो देखो बैलेंस शेल कंप्लीट करना होता है, इसके ऊपर एक सवाल और आएगा कि बैलेंस शेल क्यों कंप्लीट करना होता है, फिर उसका जवाब आएगा सर वो स्टेबल होने के लिए, तो आपने डायरेक्ट दूसरा वाला जवाब दिया सर स्टेबल होने के लिए। अब मेरा सवाल है कि एटम स्टेबल क्यों नहीं होते, व्हाई एटम्स आर अनस्टेबल, अब इसका क्या जवाब है आपके पास? किसी के पास कोई जवाब कि एटम्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, क्यों? एंड व्हाई कंपाउंड्स आर अनस्टेबल? क्योंकि अगर एटम भी दो एटम्स मिलकर नया कंपाउंड बनाए तब जाके वो स्टेबल होते हैं ना, तो एटम्स तो अगर एक ही होगा तो फिर वो अनस्टेबल ही रहेगा, उसका तो वैलेंस शेल कंप्लीट ही नहीं होगा, जो कुछ है बाकी जिनके कंप्लीट होते हैं वो तो कंप्लीट होंगे। देखो इसमें जवाब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ चलो घुमा फिराते हैं, केमिस्ट्री में कहीं से कहीं से कोई ना कोई चीज रिलेट हो जाती है। देखो एलिमेंट्स के अनस्टेबल होने की वजह होती है इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सिंपल रखूंगा बात को ताकि आसानी से समझ लो, मुश्किल नहीं लगे। एटम्स के अनस्टेबल होने की वजह होती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम्स अनस्टेबल होते हैं इसलिए वो कंपाउंड बनाते हैं, दो सवाल के जवाब दे रहा हूँ, एटम्स के अनस्टेबल होने की वजह कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स अनस्टेबल होते हैं इस वजह से वो कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम्स क्यों अनस्टेबल होते हैं? अब इसके लिए अगर हम थोड़ा सा इसमें बहुत सारे मजीद कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए बात होती है। अब मैं उतने कॉन्सेप्ट्स में तो जाने नहीं वाला क्योंकि अगर मैं वहां गया तो मतलब उसके लिए तो आपके जहन को बड़ा ब्रॉड होना चाहिए, केमिस्ट्री में साइंस में फिजिक्स भी आनी चाहिए केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि नहीं आती तो उस तरह की बात नहीं करना। देखो एटम्स आसान लफ्जों में बात करते हैं कि असल सिलसिला ये है कि एटम्स में जो शेल होते हैं हर शेल की अपनी एक औकात होती है और हर शेल उस औकात के मुताबिक अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखता है। जैसे हमने नाइन में पढ़ा था कि सर जो के शेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, सर जो एल शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सर जो एम शेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो सर एन शेल होता है उसमें से 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने 9 में पढ़ा था। अब ये एटम्स के शेल की औकात है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 आएंगे। एटम्स अनस्टेबल होते हैं इस तादाद की वजह से, स्टेबल होने के लिए जरूरत है इतने इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं है तो अनस्टेबल, ज्यादा होंगे तो मसला नहीं है लेकिन नहीं है, मतलब किसी शेल कोई एलिमेंट है जिसमें एक शेल है, अब उस एक शेल में जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, अब उस एटम में बेचारे में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कमी है ना, तो कमी है इस वजह से वो अनस्टेबल है। भाई एक सिंपल सी मिसाल है कि इंसान जो है वो मेहनत करता है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम सब जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कहीं से अगर मिसाल के तौर पे आप में से किसी के हाथ में या मेरे हाथ में, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, चलो मेरे हाथ में आज माशाल्लाह से पढ़ रहा हूँ, स्काउटिंग अलग चलती है, बड़ा टफ रूटीन रहता है डेली बेसिस पर, तो आज मैं क्या करूँ कि मतलब इतनी मेरी हार्ड वर्किंग है, आज अचानक से वो फर्स्ट ईयर में आपने एक प्ले पढ़ा था ना मुझे याद है, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, याद है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो,
यस सर पढ़ा। आपके पास उस प्ले का नाम था द काउंट्स रिवेंज, लेकिन वो तो खैर ओरिजिनल जो प्ले है वो तो द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के नाम से। तो मोंटी क्रिस्टो के अंदर क्या हुआ था कि मोंटी क्रिस्टो को एक खजाना मिल गया था। मान लो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हो जाए कि मुझे कोई समझ लो कानून का खजाना मिल गया, कहीं से कानून का खजाना मिल गया, मतलब इतना है, इतनी दौलत है वो कि मेरी 7 नस्लें अय्याशी बैठ के खाए नहीं, बैठ के खाना तो ये होता है कि लिवली पूरा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरी 7 नस्लें प्रॉपर वे में अय्याशी भी कर ले तो वो खजाना खत्म ना हो, वो इतनी दौलत है मुझे मिल गई। अब बताओ अगर वो इतनी दौलत मुझे मिल जाती है तो क्या मैं कल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या मैं कल से जो हार्ड वर्किंग या भाग दौड़ कर रहा हूँ करूंगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। क्यों सर? क्योंकि अभी हम हमारे पास एक डेस्टिनेशन है कि हमें कुछ अचीव करना है, उस अचीव करने के पीछे हमारा माइंडसेट क्या है कि यार अगर हम वो अचीव कर लेंगे, वो टारगेट अचीव करेंगे तो दौलत माल दौलत आ जाएगा और हमारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, मतलब जिंदगी को प्रॉस्पिरस बनाना हमारा एक टारगेट होता है। जबकि मेरा टारगेट, मेरा लाइफ गोल वो जिंदगी को प्रॉस्पिरस बनाना नहीं है। ऑनेस्टली मेरे लाइफ गोल और मेरा दिमाग बहुत अलग है दुनिया से, लेकिन एक जस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरे पास दौलत आ जाएगी तो मुझे जरूरत नहीं है भाग दौड़ करने की। इन एटम्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी हो जाएगी तो इनको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। भाग दौड़ का मतलब रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं, कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी नहीं है तो ये उसके लिए भाग दौड़ भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह भी वो इस तादाद को पूरा करें। तो सारा मसला कहाँ आ जाता है? सारा मसला आ जाता है एटम्स की स्टेबिलिटी और इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ये वाली बात, yes, sir. ये वाली बात तो जो मैंने की ना, ये 9 के रिस्पेक्ट से की, जब हम बच्चों को सबशेल क्या होता है या ऑर्बिटल क्या होता है ये नहीं बताते, हम सिर्फ शेल में घुमा रहे होते बच्चे को, बोल रहे। अब चूंकि आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो इंटर में तो बच्चे को हम उस शेल में मौजूद सब शेल और उस सब शेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल की कहानी भी तो बताते हैं, ऐसे ही ना। तो यहाँ आपको बात शेल के हिसाब से तो करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ तो आपको ऑर्बिटल के घर के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, घरौंदे के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, सब शेल के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ अप्लाई कर दो भाई। शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ये होती है, अब मैं बोलूं कि बेटा एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलेंगे 2। बेटा पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलेंगे 6। सर डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलेंगे 10। मैं पूछूं बेटा एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप बोलेंगे सर 14। अब ये तादाद है जिससे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के पेट भर जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिटल में ये तादाद कम होने लगे तो एटम हो जाएगा अनस्टेबल। अब जब वो एटम अनस्टेबल हो गया तो वो फिर रिएक्शंस की तरफ जाएगा। अब आ जाओ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब एटम स्टेबल कैसे होता है? एटम के स्टेबल होने की 2 कंडीशंस होती है। ठीक है, एटम के स्टेबल होने की 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये कि एटम के आखिरी शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाए। सही है, एटम के आखिरी शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि उसको जितने की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एटम स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि कंपाउंड्स बनते हैं, पहली वजह। ठीक है, स्टेबल हो गए। अब आ जाओ दूसरी वजह पर। दूसरी वजह क्या कह रही है कि अगर एटम को आपके पास मिसाल के तौर पर आप वो कोई एटम स्टेबल होना चाह रहा है, अब उस बेचारे गरीब को पूरे इलेक्ट्रॉन करने की सलाहियत नहीं मिल रही, मतलब कि किसी तरह वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा कर ले वाली कंडीशन अगर नहीं आ रही, करनी पूरा कर ले वाली कंडीशन, तो पूरा कर ले वाली कंडीशन नहीं आनी तो वो एक काम ऐसा कर ले कि वो अपने आखिरी शेल में आधे इलेक्ट्रॉन कर ले, पूरा ना करे आधे कर ले। ठीक हो गया, पूरा ना करे आधे इलेक्ट्रॉन्स कर ले, आधे पूरा नहीं। यानी कि 2 कंडीशंस में एटम स्टेबल हो सकता है। बेस्ट पॉसिबल कंडीशन क्या है? एटम अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे। सेकंड कंडीशन क्या है कि चल भाई अगर तेरे पास पूरा करने की औकात नहीं है तो तू एक काम कर ले, तू एटम के आखिरी शेल में आधे इलेक्ट्रॉन कर ले, तो एटम स्टेबल नहीं होगा लेकिन गुजारा हो जाएगा।
सही है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक इस बात को ध्यान रखना। अब वापिस आओ इस पॉइंट पर। अब यहां देखो आखिरी ऑर्बिटल कौन सा नजर आ रहा है, टी, और यहां देखो आखिरी ऑर्बिटल कौन सा नजर आ रहा है, टी। अच्छा डी की मैक्सिमम टेंडेंसी हमने भी लिखी है, ठीक है, डी की मैक्सिमम टेंडेंसी हमने लिखी। अच्छा अब डी की ये है बेटा मैक्सिमम टेंडेंसी। अच्छा इस मैक्सिमम टेंडेंसी के हिसाब से यहां मुझे जरा देखकर बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है मैक्सिमम टेंडेंसी के हिसाब से। और यहां छह, यहाँ इधर मैक्सिमम टेंडेंसी में छह इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इधर मैक्सिमम टेंडेंसी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके तो एक जगह छह इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई और एक जगह एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब इस छह और एक इलेक्ट्रॉन की कमी को जो है वो पूरा करना है। अच्छा अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें इनको मिल नहीं रहे, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो इन एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको छह दे दे इसको एक दे दे, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स कुछ नहीं है। चलो सही हो गया। वो एक उर्दू का मुहावरा है, सुना है, हाथी के दांत दिखाने के और कोई दूसरा एटम नहीं है जो इनको इलेक्ट्रॉन दे, उसको छह दे दे इसको एक दे दे ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो अब क्या करें सर, अब ये है कि दो कंडीशन एटम की स्टेबल होने की, के पहली कंडीशन के पूरे हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी कंडीशन पूरे नहीं हो रहे तो आधे ही हो जाए लेकिन वो चलेगी। अब ये जो d ऑर्बिटल है ये कहेगा कि यार भाई देख s मेरे भाई तू तो अंदर की तरफ है, जो कोई नहीं देखता, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो तू अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे ये होगा कि तू तो अंदर है तुझे कोई नहीं देख रहा, जब मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मेरे शेल में पांच इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हाफ फिल हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हाफ फिल हो जाऊंगा। और जब मैं हाफ फिल हो जाऊंगा तो हमारा जो एटम है पूरा एटम वो लोगों को किसी हद तक स्टेबल नजर आएगा। एस बोलेगा चल भाई कोई बात नहीं, वो बात हम अंदर के हालात तो हम जानते हैं ना कि हम स्टेबल नहीं है, लेकिन बाहर वाले तो यही देखेंगे कि हम स्टेबल हैं। इसी तरीके से यहां आ जाओ, यहां पर क्या केस है, यहां पर भी ऐसा ही है, ये वाला जो d है ये बेचारा इस s से रिक्वेस्ट करेगा कि s मेरे भाई देख तू तो अंदर की तरफ है तुझे क्या मसला, तुझे कौन देख रहा है, तू एक काम कर अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ताकि लोग मुझे हमें स्टेबल देखे। तो एस भी बोलेगा चल भाई हम हैं तो एक ही एटम, तो लोग हमें अच्छा देखें, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन उधर दे देगा, ये क्या हो जाएगा डी टेन। अब ये देखो जरा क्या नजर आ रहा है, ये फुलफिल हो गया, ये फुलफिल हो गया, ये हाफ फिल हो गया, एटम स्टेबल हो गया सर। यस सर। ठीक है अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब दो तीन सवाल और जहन में आएंगे। क्या कि सर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर s से क्यों हुआ, p से भी हो सकता था, इस वाले s से भी हो सकता था, इस वाले p से भी हो सकता था, इधर s से भी हो सकता था, इधर s से भी हो सकता था, सिर्फ यही है पहला सवाल। ठीक है पहला सवाल तो ये आ जाएगा कि s से ही क्यों, ठीक कि सर ये एक तो इस एस से हो गया। अब दूसरा सवाल सर क्या आता है कि ये जाहिरी तौर पर जो एटम को स्टेबल दिखाना है इससे फायदा तो यही कि एटम स्टेबल नजर आएगा, मतलब एटम खुद स्टेबल फील
होगा। तो कहानी जो है ना कि इलेक्ट्रॉन देते, मैंने बहुत करीब से मिडिल क्लास फैमिलीज को ऑब्जर्व किया है, जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, मैंने देखा है यार सफेद पोश लोगों की यहाँ एक अजीब मसला कि उनके घर में उनकी जात के ऊपर खर्च करने के पैसे नहीं होते, लेकिन अगर कोई तकलीफ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैंने देखा है सफेद पोश लोग उधार लेते हैं और उधार लेकर उस तकलीफ में अपनी इज्जत बचाते हैं, उस तकलीफ में वो महसूस होने नहीं जाते, वो उस तकलीफ में अपनी इज्जत को बचाने जाते हैं। मैंने देखा कुछ ऐसा ही सिलसिला यहाँ पर भी है कि आपस में मुक्का कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम स्टेबल हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि यही गैस क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो बेटा ये एस इसलिए क्योंकि ये इस डी के सबसे करीब होता है। जो ऑर्बिटल्स और एटम्स होते हैं ना, ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये बहुत पीछे के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनमें और इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इस 3D में और इस 3P में या 2S में या 2P में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जंप करना मुश्किल होता है। अल्बत्ता इस 4 के एस और इस 3 के डी में या इस 4 के एस या इस 3 के डी में ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है जंप, इसलिए यहां से ही होगा और कहीं से नहीं होगा। ये वाला जो केस है, अब इसमें एक और चीज आती है क्या कि सर तो फिर ये ऐसा कब क्यों नहीं होता, मतलब कभी अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर हो 4s2 और यहाँ हो 3d3 फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर कर दें, या इस वाले केस में कभी ऐसा हो सर 4s2 और 3d8 तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें। तो सुन लो बेटा, ऐसा सिर्फ तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसा सिर्फ तब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किसी मिडिल क्लास वाले शख्स को आप अपने घर दावत पर बुलाएं, किसी भी दावत पर, एक्सवाइजी उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो कर्ज उधार लेकर अच्छे से अच्छा गिफ्ट आपके लिए खरीद के लाएगा, लेकिन आप अगर अपने घर की दावत में उस मिडिल क्लास के लिए किसी के लिए भी शर्त रख दें कि अगर मेरे घर दावत में आना है तो आते हुए आपने मिसाल के तौर पर कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी तोहफे में लानी है, अगर वो आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लाएंगे तो आप मेरे घर तकरीब में आ सकते हैं वरना नहीं आ सकते, तो यकीनन वो शख्स आपके घर तकरीब में नहीं आएगा। यहाँ पर किस्सा कुछ ऐसा ही है कि जब दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात आती है ना, तो वो इनकी औकात से बहुत ज्यादा बाहर होता है, तो इतना औकात से बाहर होने पर उस चीज को बेयर नहीं करते या बेयर नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि ये वाला मामला सिर्फ तब हो सकता है जब एस और डी के दरमियान स्टेबिलिटी का फर्क सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से हो, अगर एक से ज्यादा होगा तो ये फर्क नहीं हो सकता। सर S2 D7 है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके 5 कर दे? नहीं, ये सारे केसेस आगे चल के चीजों में आएंगे तो बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिलहाल सिर्फ अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, तो ये केस जो है ये सिर्फ तब होगा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आपको नजर आएगी, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये किस्सा नहीं हो सकता, इतना ज़हन रखना। अच्छा सर, क्या ये केस 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 24 और 29 में है और कहीं नहीं? तो इसका जवाब ये है कि नहीं बेटा, ये केस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे ख्याल से कोई 1, 2, 3, 4, 42 में सर 4-5 मरतबा है ये, ठीक है? तो हम सर कैसे पहचानेंगे कहाँ ये केस है कहाँ नहीं? बहुत आसान है बेटा पहचानना। देखो जहां कभी कभी भी अगर देखो S और D एक साथ आया पर S पे 2 और D पे 4 है या S पे 2 और D पे 9 है तो ये केस होगा, लाजमी होगा, बस इतना याद रखना। जहां पर भी ये केस आया वहां पर ही होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है बेटे? यस सर। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आप लोग अपना काम सुन लीजिए, यानी कि अभी जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करके भेजी थी उनकी गलतियां थी,
मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था और मैंने जानबूझ के आइडेंटिफाई नहीं किया था क्योंकि मुझे आपको समझाना था। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस लिहाज से गलत है वहां पर आप ये वाली चीज एक तो सही करेंगे। सबसे पहले आपने इसको सही करना होगा, ठीक है। जब आप इसको सही कर लेंगे फिर कल की क्लास जब इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा तो आपका नेक्स्ट टास्क समझाऊंगा कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या है उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक का। जी जी बेटा बोले। सर मैंने तो ऐसे किया एस और डी जैसे आपने बताया ना कि ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैंने इसी तरीके से किया, तो मैं तो दोबारा सबमिट नहीं करूंगी। नहीं 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 सबमिट, देखो सबमिट अभी किसी को भी नहीं करना। जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया वो सिर्फ सबमिट करेंगे, और जो सबमिट कर चुके हैं उन्हें अब सबमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी गलती को सही करना, यानी कि जो आपसे गलती हो रही थी उस गलती को सही कर लें बस, और करके अपने पास ही रखें, मुझे सबमिट ना करें कोई मसला नहीं। और जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो सबमिट करेंगे, पहले गलती के साथ करेंगे और फिर सही करके सही करेंगे, क्योंकि उनके लिए इतनी सजा तो होनी चाहिए। तो जी बेटा अगर बोर्ड के एग्जाम में हमने ऊपर वाले तरीके से कर लिया तो गलत तो नहीं होगा क्वेश्चन? ऊपर वाला मतलब S2D4 और S2D9 वाला, 4S2D3D4 अगर इस तरीके से कर लिया तो गलत होगा ना? अगर गलत नहीं होता तो मैं आज की क्लास, हाँ हाँ बेटा गलत ही होगा ना, तभी तो मैं आज की क्लास जो मैं इतना समझा रहा हूँ तो समझा के रहा हूँ कि गलत होगा, सही होता तो मैं समझाता ही हूँ। सर बेटा सर ये केस सिर्फ D के साथ होगा जी बेटा, S और D पेयर। जी 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 ये सिर्फ ये केस तभी आएगा जब S और D का पेयर हो, अगर S और D का पेयर है तभी हो सकता है वरना नहीं हो सकता, वरना ये केस नहीं है। जैसे ना 3s2 और 3p5 है तो 3s1 और 3p6 नहीं हो सकता? नहीं 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 S और P में ये केस नहीं होता, ये S और D में ही होता है, क्योंकि S और ओके सर S और P का एनर्जी डिफरेंस बनिस्बत S और D के एनर्जी डिफरेंस के ज्यादा होता है, इस वजह से नहीं हो सकता, रीजन ये। सर जी बेटा सर जब लेकिन हम आगे चलेंगे तो आपने हमें जैसे 118 तक करने के लिए दी थी, तो आगे चल के जो है D जो है वो F के बाद आ रहा है, तो F और D में भी नहीं होगा? नहीं वहां पर भी नहीं होगा। देखो आपका जो कोर्स है ना, असल में मैं बताता हूँ, आपके कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछी जाती है तो 50 तक पूछी जाती है, 50 से आगे नहीं। अच्छा 50 से आगे क्यों नहीं पूछी जाती? क्योंकि 50 के आगे वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें भंड बहुत है, खंड से मुराद यानी कि उसमें इस तरह के उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। वो कभी ऐसा होता है कि एफ में एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर डी में आता है फिर एफ में दूसरा जाता है फिर एफ डी में आता है, यानी कि वो वहां पे पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इस वजह से आपके कोर्स में उसको पूछा नहीं जाता, उसमें मुख्तलिफ और कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लगते हैं इस वजह से, ठीक है। तो लेकिन आपसे मैंने आपसे 118 तक इसलिए करवाया कि मुझे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है ये समझाना था। अगर यही काम आप फर्स्ट ईयर में करके आते बेटा तो मुझे आपको दोबारा समझाना ही नहीं पड़ता। मैं जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ ना, मैं उन बच्चों से फर्स्ट ईयर में ही काम करवाता हूँ और फिर सेकेंड ईयर में भी करवाता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से ये काम करवाया कि आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते। देखो आज जब मैं पहले आप लोगों से पूछ रहा था तो आप लोग मुझे ये सीक्वेंस नहीं बता पा रहे थे कि एस क्या होगा पी क्या होगा, कुछ नहीं बता पा रहे थे। आज जब मैंने 24 और 29 आपसे पूछा तो आपने बताया ना ये चीज है, दोबारा रिपीट करो बेटा मैंने सुना नहीं। जी बेटा बोलो। सर मैंने तो बता दी थी। तुमने बताई थी ना, बाकियों ने तो नहीं बताई थी ना। अब मैं तुम्हें काम नहीं देता बाकियों को देता तो फिर वो एक स्टूडेंट टीचर वाला जो एक इंसाफ का मेयार है वो खराब हो जाता है, तो इंसाफ तो रखना है। जी लाइवा कुछ कह रहे थी बेटे। जी बेटे बोले। सर हमें सिर्फ 50 तक सही करनी है या पूरी? नहीं नहीं बेटा आप देखो ये केस आपको एस और डी जहां नजर आ रहा होगा ना, एस और डी के आगे कुछ नहीं और बात एस और डी पर खत्म हो रही है, ये केस वहां वहां होगा। अब वो 118 तक भी हो रहा है तो आप करेंगे, ये केस सिर्फ उस जगह होगा जहां पर कॉन्फ़िगरेशन एस और डी पर खत्म हो रही होगी, और जब एस और डी पर खत्म हो रही होगी बस वहां पे आप सही कर लें, चाहे वो 50 तक हो या 50 से आगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें वरना फिर क्लास ऑफ करें।
रिटर्न, ठीक है भाई माइक पे बोला करो बेटा, माइक पे बोला करो, माइक पे। चले खैर, अल्लाह हाफिज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।